वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जज और मजिस्ट्रेट यानी कि न्यायाधीश और दंडाधिकारी में क्या अंतर होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जनरली दो तरह के केसेस होते हैं, जिसमें पहला है सिविल केसेस, जिसे हिंदी में व्यवहार मामले और उर्दू में दीवानी मामले कहते हैं, और दूसरा है क्रिमिनल केसेस, जिन्हें हिंदी में दांडिक मामले और उर्दू में फौजदारी मामले कहते हैं। चलिए अब जानते हैं कि सिविल केसेस क्या होते हैं। ऐसे मामले जिसमें अधिकार या क्षतिपूर्ति की मांग की जाए या कंपनसेशन, ऐसे मामले सिविल केस के अंतर्गत आते हैं। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क आदि इसके उदाहरण हैं। ये सारे केसेस सिविल केसेस के अंतर्गत में आते हैं। और दूसरे होते हैं क्रिमिनल केसेस, जिसमें दंड की मांग की जाती है। पर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो दोनों ही प्रकृति के होते हैं, जो कि सिविल केस भी होते हैं और क्रिमिनल केस भी होते हैं। चलिए आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आपकी प्रॉपर्टी पर कोई कब्जा करता है तो इस मामले को लेकर आप सिविल कोर्ट में जा सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप अधिकार की मांग करेंगे, या जितने समय के लिए आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा था उस समय के लिए आप कंपनसेशन मांगेंगे, या फिर आप इस मामले को लेकर आप क्रिमिनल कोर्ट में भी जा सकते हैं। वहां पर आप जिसने भी आपकी प्रॉपर्टी पर कब्जा किया था उससे दंड भी दिलवा सकते हैं। तो इस तरह आप सिविल कोर्ट में भी जा सकते हैं और क्रिमिनल कोर्ट में भी जा सकते हैं, या आपके केस की प्रकृति पर निर्भर करता है। तो आपने देखा कि कुछ इस तरह दो अलग अलग प्रकार के केसेस होते हैं। यदि आप कोर्ट में जाकर अधिकार की मांग करते हैं या क्षतिपूर्ति की, तो ये मामला सिविल कोर्ट में होगा और जो इसकी सुनवाई करेगा उसे न्यायाधीश यानी कि जज कहेंगे। लेकिन वहीं अगर आप दंड की मांग करते हैं तो इस केस की सुनवाई मजिस्ट्रेट करेगा, जिसे दंडाधिकारी कहेंगे। पर कुछ मामले दोनों ही प्रकृति के होते हैं, इसलिए उसकी सुनवाई जज यानी न्यायाधीश ही करता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है। यह आपके केस की प्रकृति पर निर्भर करता है कि आप किस कोर्ट में जाते हैं। तो दोस्तों, यही अंतर है जज और मजिस्ट्रेट में। जज क्रिमिनल केसेस की सुनवाई करता है और मजिस्ट्रेट सिविल केसेस की सुनवाई करता है। ये दोनों बैठते हैं लोअर कोर्ट में यानी निचली अदालत में, जहाँ सिविल केसेस के लिए सिविल जज और क्रिमिनल केसेस के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है। जैसे ही हम ऊपर के अदालत में जाते हैं, जो होता है जिला स्तर पर, जहाँ सिविल केसेस की सुनवाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होती है और क्रिमिनल केसेस की सेशन कोर्ट में, जिन्हें हिंदी में जिला न्यायालय और सत्र न्यायालय कहते हैं। तो यहाँ पर जिला न्यायाधीश डिस्ट्रिक्ट जज सिविल केस की सुनवाई करता है और वहीं सत्र न्यायाधीश यानी सेशन जज क्रिमिनल केसेस की सुनवाई करता है। तो इस तरह हम जब ऊपर की अदालत में जाते हैं तो दोनों ही जज कहलाते हैं, यानी कि वो जो भी करेंगे वो न्याय होगा। लोअर कोर्ट में जज और मजिस्ट्रेट होता है, लेकिन जिला स्तर पर दोनों ही जज कहलाते हैं। लेकिन इसके अलावा जब हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जज को न्यायमूर्ति कहा जाता है यानी जस्टिस, यानी कि उनका होना ही न्याय कहलाता है। वह न्याय की मूर्ति होते हैं, इसलिए उन्हें जस्टिस कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपने जाना कि जज, मजिस्ट्रेट और जस्टिस में क्या डिफरेंस होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी प्रकार के वीडियोस चैनल पर लाता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।